Hello, hello friends. Again welcome to my channel JK Vision. एक ऐसा देश जहाँ के जिल के अंदर बसा है एक पूरा का पूरा जंगल, एक ऐसा देश जहाँ के लोगों ने घोड़ों को पालतू बनाना सिखाया और उनकी सवारी करना सीखा। इस देश में एक ऐसा गांव है जहाँ लोगों को सोने की बीमारी है, फिर चाहे लोग सड़क पर ही क्यों न चल रहे हो, उन्हें कभी भी नींद आ जाती है। और इस देश की राजधानी को दुनिया के सबसे धंधे शहरों में गिना जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कजाकिस्तान की। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कजाकिस्तान देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान। देश की कुल आबादी है 1,85,000 के करीब और जनसंख्या की मामले में ये दुनिया का 64वां सबसे बड़ा देश है। वही दुनिया के देशों में क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां स्थान कजाकिस्तान का है। कजाकिस्तान इतना बड़ा है कि एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी लंदन से इस्तांबुल की जितनी है। इसके अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश भी है, जिसकी सीमाएं रूस के साथ उत्तर में, पश्चिम में चीन, दक्षिण में उज्बेकिस्तान और पश्चिमी सीमा पर कैस्पियन सागर से मिलती है। कजाकिस्तान की राजधानी शहर है नूर सुल्ता, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आपको एक पेपर भी इस शहर में रोड पर नहीं मिलेगा, मतलब ये इतना साफ सुथरा जगह है। हालांकि आज से करीब 4 साल पहले तक इस देश की राजधानी का नाम अस्ताना था। कजाकिस्तान की संसद ने 20 मार्च 2019 को राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान करने का फैसला किया। वहीं अगर बात करें नूर सुल्तान की, तो इस जगह को फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्ट, शानदार मस्जिदों और खड़ेबेदारी के लिए जाना जाता है। इस शहर में आपको गर्मी के मौसम में गर्मी सहनी पड़ेगी, लेकिन सर्दी में यहाँ इतनी ठंड होती है कि बस पूछे ही मत। सर्दियों में औसत तापमान लगभग -14.2 डिग्री सेल्सियस और सबसे ज्यादा -51.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जबकि जनवरी के महीने में लगभग -14.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। जहां आप नवंबर और अप्रैल महीने के बीच तक नदियों को जमा हुआ देखेंगे, इसीलिए ये शहर दुनिया के सबसे ठंडे शहर में से एक है। सर्दियों के मौसम में यहां आपको टूरिस्ट की भीड़ ना के बराबर देखने को मिलेगी। दोस्तों, कजाकिस्तान मध्य एशिया के सबसे विकसित देशों में से एक है और ये देश अपने नाम के तरह ही रोचक और सुंदर भी है। यहाँ के संस्कृति, भाषा और भूगोल सभी आपको काफी अलग अलग लगेंगे। वैसे तो कजाकिस्तान में इस्लाम धर्म को सबसे ज्यादा माना जाता है। यह 8वीं शताब्दी के दावरान अरबों द्वारा यहाँ पेश किया गया, लेकिन इस देश पे 100 से भी ज्यादा अलग अलग नेशनलिटी के लोग रहते हैं। कजाकिस्तान के खाने से इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। यहाँ रूती पेलमिनी से यूक्रेनी रेड बॉस्ट, उज़्बेकी प्लॉव से लेकर चीनी चावल, आपको इस देश में सब कुछ मिल जाएंगे। यारे की कजाकिस्तान में घूमने से ही आप कई देशों के खाने का मजा भी ले सकते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी झील को देखा है जिसके नीचे जंगल बना हुआ हो? अगर नहीं देखा तो एक बार कजाकिस्तान जरूर जाएं। वहां आपको एक झील के नीचे जंगल भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, काइंडे लेक कजाकिस्तान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और इसकी खूबसूरती लोगों को हैरानी में डाल देती है। इस झील के अंदर एक पूरा जंगल बचा है। कजाकिस्तान के अल्माटी शहर से 280 किलोमीटर दूर ये झील समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील के अंदर पेड़ों के जंगल जैसा है। ऐसा कहा जाता है कि साल 1911 में यहाँ भयानक भूकंप आया था, जिसके बाद पूरे इलाके में पानी भर गया और पेड़ों से भरा यहाँ का एक जंगल भी पानी में डूब गया। इस झील के एक और खास बात यहाँ है कि इसका पानी बहुत ठंडा है और ये पेड़ों के लिए फ्रिज जैसा काम करता है। सर्दियों के मौसम में आइस डाइविंग और मछली पकड़ने के लिए ये झील लोगों की पसंदीदा चीजें है। कजाकिस्तान में शादी की एक अलग तरह की परंपरा है। इस परंपरा को लेकर अक्सर विवाद भी होता रहता है। शादी की इस परंपरा के तहत दूल्हा अपनी दुल्हन को लाने के लिए खुद नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों को भेजता है, यानी कि दुल्हन अपने पति के साथ नहीं बल्कि उसके रिश्तेदारों के साथ आती है। अब आप ही बताएंगे इसे क्या कहा जाएगा। इसके अलावा अगर इस देश से जुड़ी एक और अजीब चीज की बात करें, तो इस देश के पारंपरिक कजा कैलेंडर में हर साल एक जानवर के नाम पर रखा जाता है, जैसे बैठ का साल, घोड़े का साल, कुटा, सांप, सुर। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस कैलेंडर में। जैसे भारत में लोगों को अक्सर नींद ना आने की शिकायत रहती है, लेकिन कजाकिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां का नजारा एकदम उल्टा है। इस गांव में दरअसल होता क्या है कि जब लोग बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे ही सुझाते हैं। कोई बात कर रहा है तो वो कभी भी सूझ सकता है, यहां तक कि कोई आदमी पैदल चल रहा है तो उसको कभी भी नींद आ सकती है, वो सड़क किनारे सूझ जाता है।
दोस्तों शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि कजाकिस्तान दुनिया की पहली और सबसे बड़ी स्पेस लॉन्च फैसिलिटी बायकोनूर कॉस्मोड्रोम का घर है। रूस की राजधानी मॉस्को से 2100 किलोमीटर दूर कजाकिस्तान की रेगिस्तान में स्थित है। बायकोनूर कॉस्मोड्रोम दुनिया का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण स्पेस लॉन्च स्टेशन। अंतरिक्ष के बारे में हम जो भी जानते हैं उसमें इस स्टेशन का अहम योगदान रहता है। पृथ्वी से पहला सैटेलाइट इस स्टेशन से स्पुतनिक 1957 लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले मानव यूरी गागरिन ने यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत की। यह अलग बात है कि वर्तमान में यहां अंतरिक्ष कार्यक्रम की गतिविधियां बहुत कम हो गई है। इसके बावजूद आज भी ये किसी भी लाउची के लिए काम आता ही रहता है। इस देश के लोग और यहाँ के घोड़ों के बीच में एक अलग ही लगाव है। ऐसा माना जाता है कजाकिस्तान के लोगों ने ही सबसे पहले दुनिया में घुसवारी करने शुरू की, साथ ही सबसे पहले इसी देश में घोड़े को पालतू बनाया गया। अगर आपको घुसवारी का शौक है तो दोस्तों कजाकिस्तान से बेहतरीन जगह आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। आपको यहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन हॉर्स राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ के लोग इस जानवर को जितना प्यार करते हैं उतना ही इसका मांस भी खाते हैं। यहाँ आपको हर रेस्टो में घोड़े के मांस से बनी चीजें देखने को मिल जाएंगी। कजाक व्यंजनों के लिए घोड़े का मांस बहुत जरूरी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कजाक एथलीट्स ने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को लंदन के खेलों में घोड़े का मांस उपलब्ध कराने के लिए विनती की थी। अब आप सोचे सकते हैं कि यहाँ घोड़े को किस अध्यार तक पसंद किया जा सकता है। दूध का कैंपेन के नाम से जानी जाने वाली कजाकिस्तान की नेशनल ड्रिंक कुमीज भी घोड़े के दूध से ही बनाई जाती है। वहीं अगर कजाकिस्तान की नेशनल डिश की बात करें तो बैश बर्मिक, जिसका मतलब होता है पांच उंगलियां, क्योंकि ये पारंपरिक रूप से सभी पांचों उंगलियों का उपयोग करके खाया जाता है और इसमें उबले हुए घोड़े के मांस या मटन के बड़े टुकड़े होते हैं जो शोबा में उबाले गए नूडल्स के साथ खाया जाता है। साथ ही आपको बतावे कि कजाकिस्तान की ब्रेड दुनिया का सबसे अच्छा ब्रेड मानी जाती है। आपको इस देश में कम से कम 70 अलग अलग किस्म के ब्रेड खाने को मिल जाएंगे। यहाँ सुबह 4 बजे से ही लोग ब्रेड बेचने लग जाते हैं। सुबह सुबह ही आपको हर रास्ते पर ब्रेड की खुशबू आने लग जाएंगी। इस देश में बेशुमार पैसा है क्योंकि इसके लिए देश के लोग खूब मेहनत करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और देश का लिटरेसी रेट है। कजाकिस्तान के लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा मुनाफा अगर किसी में है तो वो है एजुकेशन में इन्वेस्ट करना। कजाकिस्तान देश की महिलाएं यहाँ के पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनती हैं और यह अपने परिवार के लिए बहुत मेहनती करती हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ की यहाँ पर 70-80% महिलाएं बाहर काम करती हैं। इस देश की महिलाएं सबसे ज्यादा बैंक्स, स्कूल और कॉलेजेस में काम करती हैं। देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। तो दोस्तों कजाकिस्तान देश बहुत अमीर है और यहाँ पर लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं। इसका मुख्य कारण है इस देश में पाए जाने वाले ऑयल और गैस रिसोर्सेज का। इस देश में मिनरल रिसोर्सेज की भरमार है। तो ये था अलग और अनोखा देश कजाकिस्तान। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।